ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चले गाइस, आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, पहले आप सभी को करना है गाइस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जाना आप गाइस आप सभी को टूल्स में, फिर टूल्स में जाने को जाना है एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को जो सैचुरेशन वाला ऑप्शन है, आप सभी को पहले उसमें जाना है। ठीक है, तो हम ऐसे सैचुरेशन में चलते हैं पहले गाइस। ठीक है, तो इसकी सैचुरेशन को जहाँ पूरा प्लस की तरफ कर देना है एंड उसके बाद टेम्परेचर को पूरा ऊपर की तरफ कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद जाना आप सभी को रेजर टूल में। रेजर टूल में जाने के बाद आपको इन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आपको ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो साइज वाइज है आपको कुछ उतना ही रहने देना है। उसके बाद आप सभी कुछ इस टाइप से यहाँ पे पेंट कर लेना है। ठीक है, मतलब इतने एरिया में पेंट करना है। ये हम गाइस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम जब यहाँ पे फायर का पीएनजी लगाएंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन है हमारे चेयर के ऊपर ही पड़ रहा था। हमें कुछ इस टाइप से दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली डन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस हम जाएंगे ऐड फोटो में दोबारा से। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आपको ये फायर का पीएनजी लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को इसको कर देना है स्क्रीन। एंड स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको रख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो आप सभी को कुछ इस टाइप से रख देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, ऐसे मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कर देना है डन। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सबको गाइस जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड मॉडल को जो है गाइस आप सबको ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे बैठा देना है। ठीक है, जिस तरीके से। एंड गाइस इसके बाद आप सभी को अभी डन नहीं करना है, आप सभी को अभी कुछ और भी करना है इसमें। तो क्या करना है आप सभी को मैं बताता हूँ। तो पहले मैं मॉडल यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस क्योंकि इसका साइज वाइज में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। एंड जो साइज है कुछ इस टाइप से हम इतना रख देंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा इस साइड कर लेते हैं एंड कुछ इस टाइप से। एंड गाइस अब आप सभी को करना है क्या, इसका पहले डुप्लीकेट कर लेना है। एंड उसके बाद इस यहाँ पे लगा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को जो इसका डुप्लीकेट है इसको आपको लेके जाना है यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे कुछ इसको रहने ह्यू में पहले एक बार चेक कर लेना कि कलर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हम कलर तो गाइस इसमें थोड़ा पूरा बेस्ट सा कलर मिल नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आप सभी को पहले इसमें जाना है ब्लैक एंड व्हाइट वाले में। इसका अमाउंट को आपको जीरो कर देना है। एंड यहाँ पे मर्ज कर देना है। एंड मर्ज करने के बाद आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन ले लेना है। एंड यहाँ पे फिर दोबारा मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद कलराइज में जाना। कलराइज में जाने के बाद आप सबको यहाँ पे येलो कलर को ढूंढना कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से वाला येलो कलर ढूंढ लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। उसके बाद गाइस आप सबको यहाँ पे करना है रिजल्ट में जाना है, इन्वर्ट कर देना है। ब्रश को लेना है, ब्रश का साइज कुछ इतना रख लेना है। एंड हार्डनेस को कम करके कुछ इस टाइप से आप सबको जहाँ जहाँ से आपके यहाँ पे ये फायर आ रहा है वहाँ पे आप सभी कुछ इस टाइप से कर देना है। ठीक है, जो मतलब कि फायर है उसका रिफ्लेक्शन आपके हाथों पे पड़ रहा है ये दिखाना है। उसके बाद जिसका ब्लेंडिंग मोड आप सभी को क्या कर देना है, यहाँ पे आप सभी को इसको कर देना है ओवरले। ठीक है, ओवरले करने के बाद आपको उसका डुप्लीकेट कर कुछ इस टाइप से लगा देना है। इसका जो ओपेसिटी इसको कम कर देना है। तो गाइस पहले तो हमें मॉडल को थोड़ा सेट करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। तो मैं यहाँ कर लूँगा। इसका पीएनजी को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा सिंपली कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो हमारा मॉडल भी लग चुका है और पीएनजी भी लग चुकी है, यहाँ पे हम डन कर देंगे। ठीक है गाइस, तो अभी आप सबको यहाँ पे थोड़ी सी शेडो बनानी है। एंड अभी और पीएनजी भी लगाना है। तो पीएनजी कैसे लगाना है वो आप सबको मैं बताऊंगा। तो पहले यहाँ पे हम शेडो क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइस साइज को फुल रख लेना है एंड कुछ ओपेसिटी को कम करके कुछ इस टाइप से आप सबको यहाँ पे शेडो क्रिएट कर देनी है चेयर के नीचे। एंड इसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको थोड़ा सा मतलब इधर भी कर लेते हैं पेंट है। एंड उसके बाद हम यहाँ से बस इतनी शेडो होते हैं। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेनी है। एंड ओपेसिटी कम करने के बाद आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी कर देना डन। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ से जाना दोबारा से ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक बुक की पीएनजी मिलेगी, तो इसको ले लेना है। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो उसका कलर बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इसको यहाँ पे हैंड के पास ले जाते हैं। एंड इसको कलर बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर को कम कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को जो है थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड सैचुरेशन को जो है थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ कर देंगे। एंड यहाँ पर डन करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जस्ट की हम इसको कुछ इस टाइप से ओपेसिटी कम करके। एंड यहाँ से हम जाएंगे इरेजर टूल में। ठीक है, तो इरेजर टूल में चलते हैं। एंड यहाँ से हम थोड़ी सी हार्डनेस को फुल कर लेंगे इरेजर की। एंड कुछ इस टाइप से हमें फटाफट इरेज कर लेना है। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट करा, तो आप थोड़ा आराम से करना ताकि जो है मतलब अच्छे से एकदम इरेज हो। तो बस फाइनली हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया। तो अब क्या करेंगे, ओपोसिटी को फुल कर देंगे एंड यहाँ पे कर देंगे डन। ठीक है, तो उसके बाद आप सबको अब क्या करना है, आप सबको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं, आप सबको जाना है ऐसे टूल्स वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद जाना आपको एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सबको कॉन्ट्रास्ट को सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके कॉन्ट्रास्ट को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है थोड़ा सा। एंड जो ये सैचुरेशन है इसको आपको थोड़ा ऊपर की तरफ कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सभी को करना कलर एडजस्ट। तो उसके बाद हम इसका फोटो सेव कर लेंगे एंड ऐसे लेंगे बैक। एंड उसके बाद लाइटरूम ऐप को अपना यहाँ पर ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका कलर बैलेंस करेंगे। ठीक है, कलर रिटचिंग, तो जो कि मतलब उसके बाद ही हमें हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा आप सभी के सामने। तो गाइस जब तक हमारा लाइट मैं फोटो ऐड हो रही है, जब तक अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो कोई भी भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस आपको यहाँ पे लाइट वाला ऑप्शन में जाना है। एंड जो इसका कॉन्ट्रास्ट आप सभी को आगे की तरफ बढ़ा देना है। एंड जो इसका हाईलाइट है इसको आप सभी को थोड़ा सा माइनस कर देना है। एंड जो शेडो है इसको आपको बढ़ा देना है। एंड उसका जो व्हाइट है इसको आपको कम कर देना है। एंड ब्लैक है इसको आगे की तरफ बढ़ा देना है।
ठीक है। एंड उसके बाद जाना कलर्स वाले ऑप्शन में एंड जो वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, मिक्स टूल में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सेचुरेशन को माइनस कर देना है एंड येलो कलर को लेना है, ह्यू को माइनस कर देना है एंड सेचुरेशन को प्लस कर देना है। एंड उसके बाद जब स्वीगर फ्री का करना है, डार्क ब्लू में जाना है, इसके सेचुरेशन को माइनस कर देना है, स्काई ब्लू में जाना है, सेचुरेशन को माइनस कर देना है, डन कर देना है। एंड उसके बाद नीचे वाले टूल में फोटो क्लियरिटी को बढ़ा देना है, फोटो में विगनेट डाल देना है एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, ग्रीन अमाउंट मिलेगा उसको बढ़ा देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में एंड जो फोटो के शार्पनेस इसको बढ़ा देना है एंड जो नो डिडक्शन आपको इसको भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नो डिडक्शन आपको इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो फाइनली जो भी हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने आया है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।